गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की आतंकियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में शुक्रवार सुबह मिले एक लावारिस बैग के अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी एक्सप्लोजिव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ और बॉम्ब स्क्वाड ने कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए समय रहते इसे डिफ्यूज भी कर दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्राप्त सूचना के आधार पर बैग के अंदर से एक आईईडी बरामद किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में दहशत फैलाई गई है जो पहले से ही हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10:20 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी जिसमें बताया गया था कि गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग मिला है जिसमें बम है। सूचना के बाद इलाके की पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची थी। इसके बाद एनएसजी की टीम और बम डिस्पोजल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बम को कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए डिफ्यूज कर दिया। इस मामले को लेकर स्पेशल सेल की टीम आगे की जांच कर रही है।